नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बेहतरीन शेयर के बारे में जो आपको बोनस देने जा रहा है। और दोस्तों ये काफी बेहतरीन शेयर और काफी बेहतरीन सेक्टर से है, चलिए जानते हैं। तो आप बोनस शेयर के बेनिफिट्स भी उठा सकते हैं क्योंकि बोनस शेयर आने से इस स्टॉक में काफी तेजी देखने मिला है। तो वैसे आप जो है इसमें पोजिशन ट्रेडिंग कर सकते हैं और अच्छा खासा बेनिफिट ले सकते हैं। और साथ साथ बोनस का बेनिफिट लेना है तो आपको पहले से इस पर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा। तो बोनस शेयर फायदा तभी करता है जब आप किसी स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहते हैं। तो दोस्तों ये शेयर है हमारा हार्टसन एग्रो प्रोडक्ट लिमिटेड, काफी बेहतरीन शेयर है। और यहां से देख लीजिए, अगर हम बात करें 2009 में मात्र 13 रुपया का शेयर था और अभी आप देख सकते हैं ये 900 रुपया के करीब पहुंच चुका है और काफी तेजी इसमें देखने मिला था। लेकिन पिछले 3 सालों से ये काफी मतलब अंडर परफॉर्म था। यहां पर देख सकते हैं काफी ज्यादा इसमें गिरावट कही या करेक्शन कही देखने मिला था और फिर से ये स्टॉक तेजी में आ चुका है। देख सकते हैं जैसे अपने ऑल टाइम हाई 900 रुपए को क्रॉस करता है तो एक बहुत बड़ा रैली इसमें देखने मिल सकता है। अगर सिर्फ हम इस टाइम इंटरवल को 2017 से यहां तक के 2020 के मई तक के बीच के इंटरवल को छोड़ दें तो ये स्टॉक ओवरऑल काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है और काफी बेहतरीन स्टॉक्स है। वहीं हम डेली चार्ट पर चलते हैं तो डेली चार्ट पर आप अभी इसके मतलब किस लेवल पर आपको इसमें इन्वेस्ट करनी चाहिए, कौन सा आपका स्टॉप लॉस होगा, इसका निर्णय करना है। मतलब इस बात को जानना है कि कौन सा लेवल होगा जहां पर आप अच्छी तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं और क्या आपका स्टॉप लॉस होगा, क्या टारगेट होगा। तो आपको डेली चार्ट पर उस स्टॉक को ऑब्जर्व करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये स्टॉक लगातार एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। देखिए ट्रेंड लाइन से आपको पता चल जाएगा स्टॉक किस ट्रेंड में है, मतलब अभी रिसेंट टाइप में। तो यहाँ पर देख लीजिए, इस ट्रेंड लाइन को ये फॉलो कर रहा है ये स्टॉक्स। अगर इस ट्रेंड लाइन को कभी ब्रेक करता है तो निश्चित है इसमें एक अच्छा खासा करेक्शन आपको देखने मिल सकता है। और अगर ये 900 रुपये के ऊपर सस्टेन कर जाता है, उसको क्रॉस करने के बाद, तो एक बहुत बड़ी रैली आपको ऊपर देखने मिल सकती है। तो इस ट्रेंड लाइन को ये फॉलो कर रहा है अभी ये स्टॉक, तो इस ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट ले रहा है। अगर ये सपोर्ट लेते रहा तो और ऊपर की ओर ब्रेकआउट देता है तो निश्चित रूप से एक बड़ी रैली, एक बड़ा मोमेंटम आपको देखने मिलेगा। वहीं बात करते हैं, अगर आप इस पे अर्ली चार्ट, वीकली चार्ट को फॉलो करते हैं तो आप आवर्ली चार्ट और वीकली चार्ट भी फॉलो करते हैं तो वीकली चार्ट पर देखते हैं स्टॉक्स अभी अपने ऑल टाइम हाई के लगभग करीब पहुंच चुका है और यहां पर लगातार ये कंसोलिडेट कर रहा है, लगातार टाइम बिता रहा है। तो जब कोई स्टॉक अपने हायर लेवल पे टाइम बिताता है और वहां से ब्रेकआउट देता है तो उसकी संभावना होती है कि वो ब्रेकआउट एक फेक ब्रेकआउट नहीं होगा बल्कि एक रियल ब्रेकआउट होगा। तो ऊपर लेवल पे अगर कोई स्टॉक सस्टेन कर रहा है, टाइम बिता रहा है, तो निश्चित है कि वो ऊपर आपको ब्रेकआउट देगा, तो वो एक रियल ब्रेकआउट होगा और वहां पे आपको पोजीशन बनाना है स्टॉप लॉस के साथ। और आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, तो 800 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। देखते हैं यहां पर बार बार ये सपोर्ट ले रहा है, तो जैसे 900 के ऊपर सस्टेन करता है आप पोजीशन बनाएं, 800 आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो काफी बेहतरीन मतलब उसके बाद आपको रिटर्न देखने मिल सकता है। तो पहला आपको वहां पर जो टारगेट होगा पहला 1200 का, उसके बाद आप 1500 तक का टारगेट रख सकते हैं। बस स्टॉप लॉस जैसे जैसे ऊपर जाएगा स्टॉप लॉस आपको ऊपर बढ़ाते चलना है। और लॉन्ग टर्म के लिए चाहे तो लॉन्ग टर्म के लिए भी आप इन्वेस्टेड रह सकते हैं। ये था टेक्निकल चार्ट्स पे कि कैसे आप इसको फॉलो कर सकते हैं। अब चलते हैं हम इसके जो बोनस से दे रहा है तो कब दे रहा है, कितना बोनस का रेशियो होगा, कितना आपको शेयर फ्री मिलेगा, उसके बारे में हम जानते हैं। तो दोस्तों कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में पहले जान लेते हैं। तो उससे पहले हम कंपनी का जो बोनस शेयर देने जा रहा है उसके बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए कंपनी बोनस शेयर जो दे रही है उसका एक्स बोनस डेट है 9 दिसंबर और बोनस का जो रेशियो है 1:3 है। तो दोस्तों बोनस का रेशियो 1:3 है, मतलब 3 शेयर पे आपको एक शेयर मिलने वाला है। 3 शेयर है आपके पास तो एक शेयर फ्री मिलेगा। अगर आपके पास 3000 शेयर है तो 1000 शेयर आपको फ्री मिलेगा। तो ये है बोनस का रेशियो। वही वैल्यूएशन की बात करते हैं, कंपनी का वैल्यूएशन देख लीजिए 13,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो कंपनी का मार्केट कैप जो एक मिड कैप कंपनी है और 400% का डिविडेंड यील्ड है जबकि फेस वैल्यू 1 है। डिविडेंड भी अच्छा खासा देता है जो कि कॉर्पोरेट टैक्स पे आपको जाकर के देख सकते हैं। यहाँ डिविडेंड पर क्लिक करेंगे तो देख लीजिए 2020 में 3-3 बार डिविडेंड दिया है। तो वहाँ पर आप 100% देखे थे, यहाँ पर आप देख लीजिए 1000% का डिविडेंड ये 2020 में कंपनी सिर्फ दे चुकी है। तो लगातार डिविडेंड अच्छा खासा डिविडेंड कंपनी देती है क्योंकि इसका सेक्टर भी काफी बेहतरीन है, एवर ग्रीन सेक्टर में से एक है। बोनस का रेशियो देख लीजिए, बोनस भी कई बार दिया है, 16 में दिया है, 2012 में दिया है, रेगुलर इंटरवल पर बोनस दे रही कंपनी, 2011 में स्प्लिट, 2008 में स्टॉक स्प्लिट। तो लगातार स्टॉक स्प्लिट भी आपके लिए बोनस के जैसा कार्य करता है, आपका नंबर ऑफ स्टॉक जो कई टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो देख सकते हैं जो मैक्सिमम परसेंट
परसेंटेज है, 75 उसके आसपास है प्रमोटर्स का स्टेक। तो प्रमोटर्स का स्टेक भी कंपनी में काफ़ी शानदार है, तो कंपनी में प्रमोटर्स का स्टेक भी काफ़ी शानदार है। फाइनेंशियल पर जाकर देखते हैं तो कंपनी का फाइनेंशियल भी काफ़ी बेहतरीन है। कंपनी के फाइनेंशियल पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देख लीजिए जो सेल्स है कंपनी का वो लगातार इंक्रीज हुआ है। 3000 करोड़ का मार्केट सेल्स है 2016 में, वहाँ से बढ़ के 5000 करोड़ का सेल्स हो चुका है। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो 60 करोड़ का प्रॉफिट था 2016 में, वहाँ से बढ़कर के 112 करोड़ नेट प्रॉफिट हो चुका है 2020 में। तो ये है 2016 से 2020 में कंपनी का प्रॉफिट भी लगातार बढ़ा है, सेल्स भी लगातार बढ़ा है, तो हर चीज़ कंपनी का काफ़ी पॉजिटिव है। इसलिए कहते हैं ऐसी कंपनियों में ही आपको इन्वेस्ट करना चाहिए जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हो और लगातार बोनस देता है। एक कंपनी बोनस देने में काफ़ी माहिर है, लगातार रेगुलर इंटरवल पर कंपनी ने बोनस दिया है। वहीं रिजर्व सरप्लस की बात करें, मतलब कंपनी के बैलेंस शीट की बात करें, रिजर्व सरप्लस 46 करोड़ का है। माइनॉरिटी इंटरेस्ट जिस मतलब लग रहा है वो जीरो है, कंपनी कोई भी माइनॉरिटी इंटरेस्ट पे नहीं कर रही है। लॉन्ग टर्म बोर्डिंग देखिए 216 करोड़ है जो कि ठीक ठाक है। वहीं आप टोटल नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ की बात करें, 236 करोड़ का टोटल नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ है। तो इन सारी चीज़ों को देखने के बाद पता चलता है कि कंपनी काफ़ी अच्छी है, फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो ऐसे ही स्टॉक में आपको इन्वेस्ट करना है अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।